राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कोयला खदान को लेकर कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल आपस में टकरा गए हैं। दोनों के बीच कोयला खदान को मंजूरी देने को लेकर ठन गई है। इस मामले को लेकर अशोक गहलोत ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इस मामले पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। चौबे जी, सोनिया जी के पास गहलोत साहब ने शिकायत कर दी है परसा पुल ब्लॉक को लेकर, बिजली संकट राजस्थान में खड़ा हो गया है, इसको शिकायत के रूप में आप क्यों लेते हैं? बहुत ही सम्माननीय सोनिया जी हम सबकी नेता हैं। राजस्थान सरकार को और आदरणीय गहलोत जी को लगा कि वहाँ कोल की आपूर्ति शीघ्र होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में कोल माइंस राजस्थान को अलॉटेड है, परसा कोल ब्लॉक 2। अब उसको जो जिनको उत्खनन के लिए राजस्थान सरकार ने काम दिया हुआ है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ी आपत्ति है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आदरणीय सोनिया जी के पत्र के माध्यम से अगर वहाँ बात चली गई तो आज हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी दिल्ली गए हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी, जैसा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। कुछ इसमें रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जल्दी की 10 दिनों का ही कोयला बचा है राजस्थान के। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राजस्थान के पास कोयला कितना बचा है, महत्वपूर्ण ये है कि आदरणीय सोनिया जी को किस तरीके से पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया और आदरणीय भूपेश जी हमारे मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के द्वारा किस तरीके से निर्देश दिया जाता है, महत्वपूर्ण ये है। क्या आपत्ति क्या है, क्यों अटका हुआ ये मामला? अब ये तो लगातार छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक के मामले में केंद्र सरकार के साथ हमारी बातें चल रही थी। छत्तीसगढ़ में जो लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट का इलाका है उसके अंदर का भी कुछ हिस्सा है और इस राजस्थान को अलॉटेड जो कोल ब्लॉक है उसका भी कुछ एरिया लगभग उसके नज़दीक में या उसके लेमरू जो फॉरेस्ट रिजर्व जो हम लोग कर रहे हैं उसके मध्य में शायद दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से छत्तीसगढ़ सरकार को चूंकि हमने तय किया हुआ है कि जो एलिफेंट रिजर्व जो फॉरेस्ट्री हम लोगों को बनाना है उसके एरिया को हम लोग कम नहीं करने वाले हैं, अगर कैबिनेट का फैसला है तो मुझे लगता है ये छोटी मोटी कारण है जिसके कारण ये अभी तक लंबित है मामला। चौबे जी, एक इसमें मसला और है कि यूपी से बिजली उधार